स्वागत है दोस्तों गीक पनो में। आज हमारा वीडियो है SSD को हम लोग कैसे FDIS से पार्टीशन करते हैं। तो हमने विंडोज़ 98 का CD से बूट कराया है अपने SSD वाले सिस्टम को, और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट विथ CD-ROM सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से आपका पहले बूट होता था विंडोज़ 98 का CD, और यहाँ पे मैसेज दे रहा है कि पार्टीशन टाइप में वायरस वगैरह है, वैलिड फैट 32 पार्टीशन नहीं है। तो FDIS कमांड लिखा जाता था, तो हम उसके बाद एक DMS भी टूल आता था, तो उसको भी हम लोग रन कराएंगे बाद में। तो FDIS हम लोग कमांड पहले रन कराते हैं। यहाँ देखिए 512 MB से लार्जर डिस्क साइज बता रहा है, तो हम लोग इसको यस करेंगे। यहाँ पे NTFS पार्टीशन लार्ज ट्रीट करना है, हम तो को यस करते थे। उसके यहाँ पे हम लोग इसमें पार्टीशन करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए नंबरिंग में यहाँ पे लिखा हुआ रहता था पार्टीशन कैसे करना है, तो नो प्राइमरी डॉस पार्टीशन टू डिलीट आ रहा है अभी हमारा SSD में। SSD हमारा अभी NTFS है, और यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन है सीरियल वाइज दिया, डिलीट प्राइमरी डॉस पार्टीशन, ऐसा करके सारा डिस्प्ले हो रहा है। तो अभी हम लोग कोशिश करते हैं क्रिएट डॉस पार्टीशन करने का, तो वो नहीं होगा उसमें अभी वाले ऑप्शन से। 3 हम लोग करते हैं डिलीट लॉजिकल ड्राइव, तो वो सब भी इसमें अभी नहीं हुआ क्योंकि ये नॉन डॉस पार्टीशन है। FAT32 डॉस का पार्टीशन होता था और ये नॉन डॉस पार्टीशन है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, डिलीट नॉन डॉस पार्टीशन। उसके बाद देखते हैं हम लोग कोशिश करके कि ये डिलीट होता है कि नहीं। तो हम लोग को नॉन डॉस ही करना पड़ेगा डिलीट पार्टीशन वाले में ऑप्शन में। तो हम लोग फोर्थ ऑप्शन में जाके यहाँ देखिए, ये हमारा डिस्प्ले किया और इसका साइज़ वगैरह दिखा रहा है, 48592 साइज़ है NTFS का, और 2 पार्टीशन है हम लोग का। तो हम लोग इसको डिलीट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए कोशिश करने पे, यहाँ पे हम लोग करना पड़ेगा डिलीट नॉन डॉस पार्टीशन फोर्थ नंबर। तो यहाँ पे देखिए फोर्थ नंबर के करने के बाद ये डिलीट हो जाएगा आपका पार्टीशन, पहला ऑप्शन हम लोगों ने सेलेक्ट किया है। यहाँ पे ये वार्निंग वगैरह मैसेज दे रहा है, डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू, हम लोग यस, यहाँ नो को यस करें। तो इस तरह से हमारा नॉन डिश जो पॉस्ट पार्टीशन है वो डिलीट हो गया दोस्तों, और हम लोग कर पा रहे हैं इसको डिलीट, और क्रिएट भी करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लॉजिकल जो हमारा ड्राइव है उसको डिलीट करेंगे, फिर फोर्थ वाले में हम लोग को जाना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 1 सेलेक्ट करते हैं, डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू, यस करेंगे हम लोग। तो इस तरह से हमारा NTFS पार्टीशन जो है वो डिलीट हो गया, यानी एफ डिस्क में अभी भी कैपेबिलिटी है नया ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉन डॉस पार्टीशन जो है उसको पहचानने की, और SSD में भी हम लोग अच्छे से कर पा रहे हैं इसको। तो उसके बाद देखिए इस तरह से हम लोग उसको एक्टिव करना पड़ता था, तो वेरीफाइंग ड्राइव इंटीग्रिटी करके ये कम्प्लीट हो जाएगा आपका, और पार्टीशन वगैरह हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो एफ डिस्क कमांड से हम लोग भी कर सकते हैं, यानी कि SSD में अभी भी पार्टिशनिंग किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए ये बोला जा रहा है मैक्सिमम साइज करने के लिए, पार्टीशन एक्टिव करने के लिए, तो FAT32 में जो मैक्सिमम रहता, तो एन करने पे ये 2 GB का बनाएगा, और यस करने पे 2 GB से ज़्यादा बड़ा साइज़ का हम लोग बना सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी FAT16 का पार्टीशन बनेगा इसमें, और इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए ये साइज़ बोल रहा है, तो 2045 MB का पार्टीशन हमारा बन गया प्राइमरी डॉस पार्टीशन। अब इसमें हम लोग चाहें तो विंडोज़ 95 वगैरह 98 वगैरह ये सब इंस्टॉल कर सकते हैं, विंडोज़ 2000 भी कर सकते हैं इसमें, लेकिन अब वो OS जो है आउट ऑफ सपोर्ट हो गया है, तो करने से कोई फ़ायदा है नहीं, एक यहाँ तक कि XP भी हो गया है। तो हम लोगों ने पार्टीशन वगैरह एक्टिव कर लिया, और ये सर रिस्टार्ट करने के लिए बोलेगा ये। तो ये था FDIS टूल। अब हम लोग चलते हैं DM Seagate का एक टूल था, DM स्पेस /X करके, ऐसा करके देखिए स्क्रीन पे आ रहा है ये। तो ये भी बहुत पॉपुलर था पार्टिशनिंग करने के लिए 90s के समय में, और इसमें देखिए सारा आपको कंट्रोल रहता था। यहाँ पे देखिए एडवांस डिस इंस्टॉलेशन में जाने पे वो साइज़ वगैरह 32 बिट फैट सिस्टम पे करना है या NTFS पे करना है, वो सारा पता था। डिफाइन योर ओन में आप अपने अनुसार यहाँ पे साइज दे सकते थे।
तो पार्टीशनिंग काफ़ी इजी था इससे आपको 90s के समय में, 2000 के समय में जब लोग 95, 98, 2000 वगैरह ये सब यूज़ करते थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि पूरा जो हमारा हार्ड डिस्क का साइज है उसके अनुसार हम लोग सेलेक्ट कर ले रहे हैं। तो पहले हम लोग को प्राइमरी बनाना पड़ता था, उसके बाद एक्सटेंडेड, और एक्सटेंडेड के अंदर हम लोग लॉजिकल ड्राइव बनाते थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये दिया पूरा 40960, यानी कि 40 GB का साइज। तो इस तरह से देखिए, और डिलीट करने का मन है तो हम लोग को ऑल डी करके उसको डिलीट कर सकते थे। और फिर से हम दोबारा से बना रहे हैं, तो ये हमारा 10 GB का हमारा प्राइमरी पार्टीशन बनेगा। उसके बाद जो है एक्सटेंडेड हम लोगों ने बनाया, यहाँ देखिए साइज़ वगैरह टाइप वगैरह बता रहा है। और यस डिफाइन योर ऑन में हम लोग फिर दोबारा से जाते हैं, इस तरह से चेंज हम लोग कर सकते थे। तो इस तरह से हम लोगों ने पार्टीशन बना लिया अपना प्राइमरी और एक्सटेंडेड। और सेव एंड कंटिन्यू करने पे देखिए बहुत अच्छा एक एनिमेशन वाला लोगो था वो घूमेगा, और सारा जो डेटा जो है वो इरेज हो जाएगा इस तरह से। क्रिएटिंग न्यू DIR, वेरीफाइंग बायो सपोर्ट, ऐसा करके क्रिएटिंग न्यू फैट्स या फिर इंटरफेस भी बना सकते हैं आप। तो इस तरह से हमारा पार्टीशनिंग होता था 90s में। अब सोचा मैंने शेयर करूँ तो मैंने शेयर किया है। और सीगेट का ये सॉफ्टवेयर आता था, आप इसकी मदद से सैमसंग का हार्ड डिस्क वगैरह किसी भी हार्ड डिस्क को पार्टीशन वगैरह कर सकते थे। तो इस तरह से देखिए थोड़ा टाइम लगता था, बट ये लोगो आ जाने का मतलब है कि आपका हार्ड डिस्क जो है वो प्रॉपर रेडी है OS इंस्टॉल करने के लिए। तो दोस्तों ये एक वीडियो था हमारा, अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिएगा। गीकपनों को धन्यवाद दोस्तों।